नाना मैं दीन बचाइया, नाना मैं घर नु लुटाइया, नाना आज कयामत का मंजर है। बचाइया नाना मैं घर नु लुटाइया, आज महशर है। मैं दीन बचाइया नाना मैं रहमतुल आलमीन, जो कायनात के मुश्किल कुशाली की भी मुश्किल कुशाई करने वाला नबी है, रसूल है, इल्म का शहर है, मगर आज इल्म के दर की बेटी कुछ सवालात करती है, मगर इल्म का शहर जवाब नहीं देता, जवाब नहीं देता, बस रोता है। हाँ आजादा रो, हुसैन ने बेशक दीन बचाया है, मगर कसम बखुदा, कसम उस खालिक अकबर की, कसम उस रब्बे जलाल की, हुसैन को उसकी बहन ज़ैनब ने बचाया। जलते खैमों से इमामत बचा कर लाने वाली ज़ैनब, कूफा और शाम के बाजारों, दरबारों, कूचों, सहराओं में सच्चा की आंखों से लहू बहता देख कर, असीरी काट कर, बालों में गर्म सहराओं की रेत लेकर लौटी है, वही ज़ैनब आज अपने नाना को कुछ बताना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, जिस वक्त मदीने में शोर उठा कि शाम से असीरों का काफिला पहुंचा है, तुर्बते रसूल और जन्नते पकिया में लर्जा था, आहो पुकाओ की सदाएं गूंज रही थी, ज़ैनब नाके से उतरी, सब सोच रहे थे कि ज़ैनब इतने साल बाद घर लौटी है, सीधा घर जाएगी, मगर तारीख गवाह है, बीबी नाके से उतरी, चादर संभाली, तकरीबन दौड़ती हुई सीधी नाना के मजार में दाखिल हुई और बोली, नाना मुझे ओनो मोहम्मद का दुख नहीं, मुझे अकबर का दुख है। नाना असगर की गले में तीर, अब्बास के बाजू, हुसैन का सर सजदे में कटता देखकर, कासम के टुकड़े सब अपनी आंखों से देखा ही, सब अपनी आंखों से देखा ही नाना, मगर नाना बाजार में जब लोग, मगर बाजार में जब लोग मुझे बागी की बहन कहते थे, नाना मैं तड़प जाती थी, नाना ये सब महशर में अपने आंखों से देखा ही, मगर नाना तेरी नबूवत की कसम, अगर मैंने तुझे अपने बाजुओं पर रस्सियों के निशान दिखाए तो कसम खाने के अकबर की, हश्र तक तुम तुर्बत में चैन से सो नहीं पाओगे। मुबारक हो नाना, मेरा घर लुट गया, मेरा घर लुट गया, मेरे दामन में भले कुछ नहीं रहा, मगर नाना तेरा दीन ताबत तक महफूज है, ताबत महफूज है, नाना तेरा दीन बच गया, तेरा दीन बच गया, लुट गई ज़ैनब, लुट गई सारा की बेटियां, लुट गया सारा का घर, नाना मैं दीन बचाइया, नाना मैं घर।